Namaskar. Welcome. Today's topic is what should a patient ask the doctor while they consult a doctor. तो डॉक्टरों को कंसल्टिंग में क्या सवाल पूछना चाहिए, ये सब्जेक्ट है आज का. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आई डोंट थिंक किसी ने इसके ऊपर बातचीत भी कभी की होगी, कभी किसी ने सोचा भी होगा कि ऐसा कोई टॉपिक हो कि क्या पूछना चाहिए. ये टॉपिक आने का रीज़न ये है कि काफ़ी बार ऐसा हम देखते हैं कि जब मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो डॉक्टर्स के पास उनके पास बहुत कम टाइम रहता है, डॉक्टर्स भी बिजी रहते हैं. तो ये छोटे से टाइम जो उनको मिलता है उसमें कैसे वो सबसे बेस्ट उसका आउटकम या तो रिजल्ट मिले उनको, कैसे ऐसे सवाल पूछे कि जिससे जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने को मिले, पता चले उसके बारे में. तो ये एक आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है. अब जब हम पेशेंट के पास जाते हैं तो सब डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर होते हैं फिर भी हम भी कभी पेशेंट बनते हैं, हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. तो जब पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर को एक पूरा प्रॉपर हिस्ट्री बताए, क्या सिम्टम्स है, रादर देन हमारा इंटरप्रिटेशन देने के बजाय क्या सिम्टम है हमको ये बताना चाहिए. काफ़ी बार पेशेंट आकर बोलेंगे सर हमको एसिडिटी होती है. अब एसिडिटी ऐसी चीज़ है कि जो हर एक चीज़ के लिए जुदा जुदा नाम है. कोई जलन को एसिडिटी कहता है, कोई गैस बनता है तो एसिडिटी कहता है, कोई उबके आते हैं डकार आते हैं उसके एसिडिटी कहते हैं, कोई उल्टियों को भी वो एसिडिटी कहते हैं. तो हर एक का एसिडिटी का मीनिंग अलग अलग है. तो इस तरह से हमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए, हमको क्या तकलीफ है ये डॉक्टर को बताना चाहिए सिंपल वर्ड्स में, प्लेन वर्ड्स में क्या तकलीफ होती है ये. और ये एक बार बताने के बाद थोड़ा उसके बारे में डॉक्टर जो जो पूछे उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में उसका जवाब भी देना चाहिए. और इसके ऊपर से डॉक्टर फिर एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, उसके ऊपर से डॉक्टर आपको एक बताते हैं कि भाई आपको ये संभावना है, ये प्रॉब्लम हो सकता है. क्योंकि देखने से, तपासने से या जांच करने से या सिम्टम से डायग्नोसिस या क्या बीमारी है नहीं पता चल सकती. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता नहीं चलती है. कभी रेयर केसेज में जैसे हर्निया है उसमें पता चल जाती है कि भाई हर्निया प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाहर से फील होता है, पता चल जाता है. लेकिन जो बीमारी अंदर होती है, पेट के अंदर होती है, उसके अवयव में होती है, लिवर में होती है, बरोल में, पैंक्रियाज में, स्प्लीन में, एसिडिटी के अंदर, जठर में, अन्ननली में, जो भी बीमारियां होती है, अल्सर होती है या जो भी ऐसी बीमारियां, वो बाहर से पता नहीं चलती. उसके लिए डॉक्टर को भी टेस्ट एडवाइस करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं. तो ये टेस्ट आपको डॉक्टर बताएंगे कि भाई ये संभावना है. आपको अगर डॉक्टर नहीं बताते तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर क्या मेरे को बीमारी है, मेरे को सिम्टम्स तो ये है. सिम्टम और बीमारी दो अलग चीज़ है. सिम्टम मतलब हमारी जो तकलीफ है जो भी है उसको सिम्टम कहते हैं, और जो बीमारी है, बीमारी मतलब डिजीज़ क्या है, बीमारी क्या है, मेन प्रॉब्लम बीमारी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीटमेंट नहीं करना है. किसी को उल्टी होती है उल्टी की दवाई, बुखार होता है बुखार की दवाई, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है. मेन ट्रीटमेंट क्या है कि बुखार क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, फंगस है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, क्या है, ये जानना ज़रूरी है. और ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट कराना ज़रूरी है. उसके बिना कोई डॉक्टर भगवान नहीं है कि बता देगा कि भाई ये मलेरिया है या ये टाइफॉइड है, कोई नहीं बता सकता. ये सब बीमारियों का निदान, डायग्नोसिस को सिर्फ रिपोर्ट से होता है. तो रिपोर्ट जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई इतने इतने रिपोर्ट्स करने हैं, तो आपको ये भी पूछना है कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट क्यों कराना ज़रूरी है, ये रिपोर्ट से क्या पता चलेगा हमको, ये आपको पूछना है. क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी होगी. डॉक्टर बोलेंगे सोनोग्राफी करा लो या तो सीटी स्कैन करा लो, तो आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर इसमें क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों ये एडवाइस कर रहे हो, क्या देखेंगे हमको, क्या क्या पता चलेगा और क्या नहीं पता चलेगा. हर एक रिपोर्ट का या टेस्ट का एक लिमिट भी होता है. ऐसा नहीं है कि सोनोग्राफी में सब कुछ दिख जाता है. जैसे सोनोग्राफी है तो स्टोन्स अच्छे से दिखते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, अपेंडिक्स है, ये सब अच्छे से दिख जाते हैं, हर्निया भी दिख जाता है. लेकिन अंदर की बीमारियां, गांठ, ये सब आंतड़े उसकी बीमारियां, एसिडिटी, अल्सर, ये सब सोनोग्राफी में नहीं दिखता है. तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हर एक टेस्ट में क्या उसका लिमिट है और कब हमको और एडिशनल टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है. जैसे कोई डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई एंडोस्कोपी ज़रूरी है, तो आप पूछोगे डॉक्टर साहब क्यों ज़रूरी है, उसके मुताबिक बिना हम दवाई नहीं कर सकते, उससे जानकर हमें क्या एडिशनल फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, उससे हमको क्या ट्रीटमेंट में क्या फ़ायदा होगा. तो ये हो गया एक प्रश्न. उसके बाद जब आप रिपोर्ट्स दिखाने जाते हो डॉक्टर के पास, तब ये टाइम है जब आप डॉक्टर को पूछना ज़रूरी है कि डॉक्टर अभी मेरा फाइनल डायग्नोसिस क्या है,
ये मेरी बीमारी क्या है, मूड क्या है उसका, उसका स्टेज क्या है, कितनी आगे बढ़ी हुई है, माइल्ड है कि बहुत सीवियर है, मेरे को क्या क्या उसके ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिख देंगे, सब डॉक्टर्स दवाई तो लिखेंगे, लेकिन दवाई के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कुछ परहेज भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस इसको कहते हैं। तो ये अगर डॉक्टर आपको बता दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डॉक्टर नहीं बताते आपको तो आपको पूछना है, आपकी फ़र्ज है कि डॉक्टर मेरे को क्या ध्यान रखना है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस। अगर किसी को एसिडिटी है तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज करना होता है, किसी को हर्निया है तो उसके बारे में परहेज करना है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ये सब परहेज करना है, किसी को ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो उसको भी थोड़ा खाने पीने का परहेज करना है कि भाई नमक नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली फूड फैटी फूड नहीं खाना है, ये सब परहेज करना भी बहुत जरूरी है उसको करना, क्योंकि दवाई टेम्पररी बेनिफिट करेगा, परहेज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एडवाइजेबल है, बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए आप परहेज के बारे में ज़रूर पूछें डॉक्टर, और डॉक्टर को ऐसे सवाल पूछिए कि जो रियली इम्पॉर्टेंट है। जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं पेशेंट आकर पूछते हैं, डॉक्टर हम दही ले सकते हैं, डॉक्टर हम दूध ले सकते हैं, डॉक्टर हम ये भाजी ले सकते हैं, डॉक्टर ये चने ले सकते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं, लेकिन सवाल में कुछ भी दम होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए। नॉर्मली अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि भाई आपको खाने में कोई परहेज नहीं, आप सब कुछ खा सकते हो, फिर हम चार पांच बार अलग अलग चीज़ पूछेंगे तो उससे अननेसेसरी आपका टाइम और डॉक्टर का टाइम, दोनों का टाइम बर्बाद होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या सवाल पूछते हैं, प्रिकॉशंस के बारे में पूछिए, परहेज के बारे में पूछिए, डॉक्टर को बोलने दीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सा परहेज रखना है। उसके बाद अगर कोई बीमारी ऐसी गंभीर है, कैंसर जैसी है, तो उसके लिए फिर अगर डॉक्टर आपको बता दे कि भाई चलो ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट करना है, उसके बाद कोई गांठ आती है, कैंसर आता है, उसके बारे में भी उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ऑप्शंस है, ये सब पूछिए। काफ़ी बार क्या होता है, ट्रीटमेंट के बहुत सारी पद्धतियाँ होती है, तो कोई भी एक बीमारी तीन चार तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, तो फिर हर एक का ऑप्शंस क्या है, हर एक ऑप्शंस में क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। ये भी पूछिए आपके डॉक्टर साहब इसमें क्या बेनिफिट है, इसका रिस्क क्या है, इसके क्या अच्छा, अगर उसके बाद रिस्क भी पूछिए, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रिस्क ये भी पूछिए। उसके बाद ज़्यादातर बार क्या होता है कि पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है, तीन चार ऑप्शन डॉक्टर ने बता दिया, हम क्या चूज़ करेंगे, तो हमको भी कुछ चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अगर चूज़ नहीं कर सकते तो बेस्ट है कि आप डॉक्टर को बोलिए, डॉक्टर साहब आप मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना है इस कंडीशन में, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए क्या उचित है, क्या योग्य है, आप ही बताइए, क्योंकि मैं तो चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके मुताबिक डॉक्टर अगर चूज़ करके बताएंगे आपको, तो फिर आप पूछिए कि डॉक्टर साहब इससे कोई, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इससे कोई सेफ और इलाज है, कोई और इफ़ेक्टिव, या तो कोई और ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल और कोई इलाज है तो ये बताइए मुझे, कोई नया इलाज आया है इसके लिए, कोई लेटेस्ट पद्धति है, कोई टेक्नोलॉजी नई डेवलप हुई है इसके लिए, तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। तो इस तरह से यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट, और हमारा आइडिया है कि जो सेफ, सबसे सेफ और सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट इलाज है, लेकिन सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ ज़रूरी है कि हमको सक्सेस भी मिलना चाहिए और सेफ भी होना चाहिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है। तो उसके बारे में आप पूछिए, अगर कैंसर है तो उसके स्टेज के बारे में पूछिए आप, कौन सा स्टेज है, कितना उसमें रिस्क है, क्या क्योर का संभावना कितनी है, क्योर रेट क्या है, कितना है, दोबारा होने की संभावना कितनी है, और दोबारा नहीं हो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या रेगुलर फॉलोअप करना है, कब वापस आना है, कब रेगुलर चेकअप कराना है, कौन कौन से रिपोर्ट्स रेगुलरली हम करेंगे चेकअप के लिए, तो ये सब सवाल आप पूछना है डॉक्टर को, और सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को हम इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर इतने सारे जवाब देते हैं, और जब जवाब देते हैं तो पेशेंट मन में सवाल ही उनके मन में घुमराते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा पूछूंगा। तो उससे उसमें क्या होता है कि वो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं, दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इससे ये कोई मकसद हमारा सर्व नहीं होता है। इसीलिए हमको जो डॉक्टर भी बोल रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना है। काफ़ी बार डॉक्टर सिर्फ लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, उनके लिए रोज़ का है ये समझाने का काम जो है वो बहुत फास्ट बोलते हैं, और हम अगर समझ नहीं पा रहे हैं या तो उसको रजिस्टर या याद नहीं रख पा रहे तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है उसके लिए कि आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आजकल फ़ोन में सब रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है। जब आप डॉक्टर के चैम्बर में जाओ, डॉक्टर को बोलो सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा, आप जो भी एडवाइस करेंगे, मैं घर जाकर फिर आराम से आप दोबारा एक बार सुनिए
कि डॉक्टर ने क्या क्या, हमने जो सवाल पूछा है डॉक्टर ने क्या जवाब दिया है, क्या क्या एडवाइस है, और इससे हमारा जो है बेस्ट आउटकम, बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती है, बेस्ट आउटकम आ सकता है। उठने से पहले, निकलने से पहले पूछे डॉक्टर साहब दोबारा मुझे कब आना है आपके पास, फॉलोअप में कोई रेगुलर आना है या कोई तकलीफ होती है तभी आना है, जब रेगुलर दोबारा मैं आऊँगा तो आप जब कोई रिपोर्ट करके आना है या ऐसे ही आना है, क्योंकि कोई रिपोर्ट करके आना है तो वो आप करा कर जाइए तो आपका भी टाइम वेस्ट ना होगा, सब कुछ प्लान में होगा। और फाइनली ये सब करने के बाद अल्टीमेटली आप घर जाकर एक बार दोबारा उसको सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि भाई ये मेरे को करना है, ये प्रिकॉशंस है मेरी, ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये ट्रीटमेंट करें आप, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है उसको आप नोट करिए। जो केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं, केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जैसे 6-6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, 12-12 महीने से, 2-4-5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, लंबी बीमारियां है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया हुआ है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए हैं, बहुत बार एडमिट हुए हैं, ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर एक पेज का आप एक समरी बना लें, अगर ऐसा करेंगे ना तो डॉक्टर के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अगर समरी होगा तो डॉक्टर को एक पेज में देखेंगे, अच्छा ये दिन में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, इसके बाद यहाँ गए थे, ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हुए थे, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ऐसे एक पेज का समरी अगर होगा तो बहुत बढ़िया होगा, डॉक्टर के लिए बहुत सुविधा होगी, बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और उसका ऑप्शन भी मिल सकता है। काफ़ी बार कैसा होता है कि हम जब पेशेंट की फाइल देखते हैं ना तो उसके अंदर सब बिल देखते हैं, और जो हमको चाहिए बायोप्सी रिपोर्ट चाहिए, इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में डिस्चार्ज समरी होती है, किसी भी ऑपरेशन में या हॉस्पिटल में आप गए हैं तो उसकी डिस्चार्ज समरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, हमेशा आपको फर्स्ट पेज के ऊपर रखनी चाहिए और उसको लेमिनेट करा कर रखनी चाहिए जिससे वो प्रॉपरली प्रिजर्व हो, क्योंकि इसमें सब इन्फॉर्मेशन होती है कि मरीज को क्या बीमारी थी, क्या ट्रीटमेंट किया था, कब डेट थे, कौन डॉक्टर थे, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। तो डिस्चार्ज समरी को अच्छे से आप रखो। जो जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एंडोस्कोपी है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स है, ब्लड टेस्ट है, ये सब इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, उसके ऊपर फ्लैग लगा कर रखो कि ये एंडोस्कोपी है, ये डेट की है, 2012 में हुई थी, ये 2015 में हुई थी, ये 2022 में हुई, और ये अभी ये, तो इस तरह से फ्लैग करके रख सकते हैं आप। तो डॉक्टर जब देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है, पहले के कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं। समरी अगर आप बना सकते हो, अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है, आपके जान पहचान वाले डॉक्टर है, उनको रिक्वेस्ट करो कि डॉक्टर साहब हमको एक समरी बना दो वन पेज का, तो वो एक अच्छे से समरी आपको बना कर दे देंगे, उसको फर्स्ट पेज में रखो। जो सिम्टम्स आपको है वो भी आप लिख कर जा सकते हैं, कि डॉक्टर को जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो भी आप फ़ोन में आप टाइप करके लिख कर जा सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं कि भाई मैंने सब क्वेश्चन पूछ लिए कि मेरे को कुछ पूछना बाकी है। तो इस तरह से आप अपना सब फोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी उसमें रख सकते हैं, पूरा एक समरी भी अच्छे से बना सकते हैं, अपनी दवाई जो चल रही है उसका भी लिस्ट आपका रेडी होना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरी ये दवाई चल रही है अभी, ये सब कुछ एक साथ अगर रेडी होगा तो डॉक्टर का और आपका टाइम सही अच्छे से यूटिलाइज होगा, जितना समय आपको मिलता है डॉक्टर के पास वो अच्छे काम के लिए, आपके डायग्नोसिस के लिए, आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, आपका जो प्रिकॉशंस है उसके काउंसलिंग के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होगा डॉक्टर का टाइम, तो ये बहुत ही उचित होगा आपके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये जानकर आपको काफ़ी दिलचस्पी हुई होगी कि ये डॉक्टर के पास अगर आप दोबारा जाते हैं तो कितना प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ हमको जाना है, जिससे हमारा टाइम अच्छे से तरीके से इस्तेमाल हो और हमारा जो डायग्नोसिस हो जाए, हमारा ट्रीटमेंट हो जाए और हम ठीक हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग एंड आई होप दिस हेल्प्स यू एंड बेनिफिट्स यू। आप इस वीडियो को जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं आप सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने मैसेज दिए हैं जो हरेक मरीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजीव हरिभक्ति फ्रॉम काइजन हॉस्पिटल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन, अहमदाबाद। थैंक यू।